हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फिजियो फ्रिंजेस और हेडिंगर फ्रिंजेस के बारे में। फिजियो फ्रिंजेस जब इक्वल थिकनेस वाले फ्रिंजेस होते हैं तब उसे फिजियो फ्रिंजेस कहा जाता है। फ्रेंच फिजिसिस्ट AHL फिजियो नाम के एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर यह फ्रिंजेस का नाम रखा गया। न्यूटन रिंग्स या विटचे फिल्म नाम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या तरीका हो सकता है जिससे हम लोग इस टाइप के फ्रिंजेस को अचीव कर सकते हैं, है ना। और इस फ्रिंजेस का नाम इसलिए रखा गया ताकि ये क्या कर सकते हैं, इक्वल थिकनेस वाले जो लोकस है यानी कि इसे इस वाले थिकनेस इस वाले फ्रिंज पर जो भी पॉइंट्स होंगे इसका लोकस सभी सेम होंगे, इसलिए इसका नाम फिजियो फ्रिंजेस पड़ा, है ना। हेडिंगर फ्रिंजेस क्या है, जब इक्वल इंक्लाइनेशन वाले फ्रिंजेस एक साथ रहेंगे तब क्या होंगे, हेडिंगर फ्रिंजेस कहेंगे। यानी कि जब फ्रिंजेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r सेम होंगे तब हेडिंगर फ्रिंजेस कहा जाएगा, है ना। हेडिंगर फ्रिंजेस फॉर्म होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। पहला, जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट को वो एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए। दूसरा, जो फिल्म हम लोग यूज करेंगे वो बहुत ही थिक होना चाहिए। और तीसरा, जो फोकस करेंगे यानी कि जो फ्रिंज ऑब्जर्व करेंगे उसे देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज करेंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका जो फोकस होगा उसे हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, क्योंकि जो फ्रिंजेस है उसका प्रोड्यूस होना बहुत ही इन्फिनिटी पर होता है, है ना। जो डायग्राम है उसे देखिए, ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है, यहाँ से निकल के आ रहा है लाइट सोर्स दोनों तरीके से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्लेक्ट होके चले गए, है ना। और यहाँ पर एक लेंस रखा दिया है ताकि यहाँ पर जो लाइट है एक स्क्रीन पर उसे फोकस पर कर पाए, है ना, या कन्वर्ट कर पाए। ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस आप लोग कह सकते हो। तब क्या होता है, इस जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसे एक साथ जोड़ के एक फोकस पर यहाँ पर लाया जाए। तो ये थे फिजियो फ्रिंजेस और हेडिंगर फ्रिंजेस के बारे में कुछ डिटेल्स। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।